अगर आप पढ़ लेते हैं और अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अब आपने पढ़ने की बहुत कोशिश कर ली, अब आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अब बिना पढ़े भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ आएगा नहीं तो एग्जाम कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको एग्जाम कॉपी में क्या लिखना है और कैसे लिखना है जिसे टीचर आपको ज्यादा नंबर दे। सिर्फ 4 टिप्स जिससे आप कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। सबसे पहले आपको अपना पूरा पेपर सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है। OMR शीट को सही से भरना है, सर्कल को पूरा भरना है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दिया या फिर आधा भरकर ही छोड़ दिया। आपको अच्छी तरह से पूरा भरना है और OMR शीट सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरे, वरना आपके नंबर भी कट सकते हैं। रूल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आता है रूल नंबर 2। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा जिसमें आपको डिटेल में लिखना होगा। इसमें कहीं स्टूडेंट क्या करते हैं कि काटा पीटी कर देते हैं जिससे टीचर को कुछ समझ में नहीं आता और वो नंबर काट लेता है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट पेज में आपको बिल्कुल भी काट पीट कर नहीं लिखना है और आपको जितना हो सके उतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तुम जितनी गंदी हैंडराइटिंग लिखोगे तुम्हारे उतने ही ज्यादा नंबर कटेंगे। रूल नंबर 3, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में कुछ भी पढ़ लेते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन आराम से पूरा जरूर पढ़े और कॉपी में आपको गलत वर्ड्स को यूज नहीं करना है। आपको जितना आ रहा है बस उतना ही लिखो, क्योंकि कहीं स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं और पेपर में कुछ भी लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, ये सही है कि आप जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जितना सही लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, गलत लिखने पर आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं, पर वो लिखे जो क्वेश्चन में पूछा है, यह नहीं कि कुछ भी उठाकर लिख दिया। रूल नंबर 4, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपको लिखना कैसे है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, कम से कम आपको पेन पकड़ना तो आता है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा है सोशल मीडिया क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है कि सोशल मीडिया क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो घबराना मत, आपको जो भी आता है आप लिखकर जरूर आना, बस जो पूछा है उसे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया, सोशल मीडिया एक आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाता है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और कई प्लेटफॉर्म है, बस आपको लिखकर आना है, खाली नहीं छोड़ना है और जितना साफ हो सके उतना साफ लिखना है। और क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से लिखे और आंसर ब्लू से, इसे कॉपी दिखने में भी अच्छी लगती है। और लास्ट पॉइंट, आपको पहले जो आ रहा है उसे करना है। जैसे कि आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आना है तो पहले उसको करना है। आपको बस क्वेश्चन नंबर डाल देना है और आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से याद है पहले उसको करना है। उम्मीद करता हूँ ये 4 रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर पेपर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।